नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजार के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और आज काफ़ी दिनों के बाद कम्युनिटी मार्केट खुली है। फुल फ्लैज्ड सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। जानेंगे कि आज सप्ताह के पहला कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है और नॉन एग्री एग्री कम्युनिटी के बाजार में कितनी मंदी तेजी बनती हुई नज़र आ रही है। किस कम्युनिटी में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मुनाफा कमा के चला जा सकता है और आने वाले दिनों में कम्युनिटी बाजार कैसा रहेगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो कम्युनिटी बाजार के अपडेट से शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो जैसे कि अभी हमने हाल ही में दीपावली का पर्व देखा, दीपावली के से पहले ही सोने चांदी की जो ज्वेलरीज थी उनमें खरीदारी शुरू हो गई थी क्योंकि धनतेरस का भी दिन था। धनतेरस वाले दिन ज्वेलरीज का खरीद करना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है और दीपावली तक ये जारी रहता है, जिसकी वजह से हमने सराफा बाज़ार में सोने चांदी की कीमतों में एक बढ़त भी बनते हुए देखी थी। हालांकि कीमतें पहले के मुकाबले थोड़ी कम ही थी, लेकिन इस बार खरीदारी भी ठीक ठाक देखने को मिली थी। मिली खबरों के मुताबिक जो सराफा बाज़ार से मिली है, सराफा बाज़ार के व्यापारियों का कहना है कि इस बार पूरे देश भर में धनतेरस के दिन 7500 करोड़ का सोने का व्यापार हुआ था, यानी कि 7500 करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपए का सोने का व्यापार हुआ था, इतने करोड़ रुपए की सोने चांदी की जो खरीद थी वो देखने को मिली थी। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो सोने चांदी की जो सेल थी, जो परचेज करी की गई थी कंज्यूमर्स द्वारा, वो ठीक ठाक देखने को मिली थी और जो आयात है सोने का वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं ज़्यादा नीचे भी नहीं गई थी तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं गई थी, ठीक ठाक थी, मॉडरेट देखने को मिला था। वहीं अगर आज की बात करें तो आज देख रहे हैं कि हम इस वक्त सोना चांदी इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर सोना 1821 डॉलर पर और जो सिल्वर है वो 24.3 डॉलर पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन सोना चांदी की कीमतों में एक बढ़त बनती हुई नज़र आई है। सोना एक बार फिर से 1800 डॉलर के ऊपर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन सोने चांदी में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोना चांदी एक बार फिर से तेजी की ओर है, सोना एक बार फिर से 1800 डॉलर के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, हमने धनतेरस वाले दिन भी देखा था कि जो सोना था वो 1800 के नीचे ही था। अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से जो US का डेटा निकल के सामने आया है जॉब्स का और जो सेंट्रल बैंक से उनमें इंटरेस्ट रेट्स में कोई हाइक नहीं दी गई है, धीरे धीरे करके ही दी जाएगी जो भी जितने भी फैसले निकल के सामने आए हैं, तो उनके मद्देनजर अब सोने चांदी की जो चाल है वो कैसी रह सकती है? देखिए अखिलेश, जिस तरीके से जो डेटा निकल कर आया उसका सीधा इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, और अभी सोना चांदी जो है एक बार फिर से तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब यहाँ से मुझे लगता है कि सोना जिस तरीके से 1800 डॉलर के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है, अब 1820 तक ऊपर में जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले दो दिन के अंदर हमने सोने की कीमतों में अच्छी बढ़त आते हुए देखी है, करीब आप कह सकते हो कि 3 महीने के हाई के ऊपर फिलहाल सोना कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और केंद्रीय बैंक के नरम रुख के चलते और ब्याज दरों में कोई बढ़त ना होने से फिलहाल सोने को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से लग रहा है कि आगे चलकर अब सोने में एक बार फिर से सेफ हेवन डिमांड निकलते हुए दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से सोना अपसाइड जा सकता है और 1840 डॉलर से लेकर 1860 डॉलर इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि दिवाली के बाद और दिवाली से ये त्योहारी सीजन के दरमियान सोने के अंदर डिमांड जो है वो बढ़ सकती है और आप देखिए अभी तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि सोना हो सकता है आपको 50,000 का स्तर वापसी से दिखाता हुआ दिखाई दे, तो फिलहाल बाय ऑन डिप पर आपको बाय की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। चांदी के अंदर भी आप बाय करके चल सकते हैं, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी तेजी देखने को मिल सकती है। जी ये सर, जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देखने की पहले वाले लेवल्स तो देखने को नहीं मिल रहे जो हमने पहले आते हुए देखे थे कि 86 डॉलर के थे, 85 डॉलर पे थे, अब उससे थोड़े कम ही हैं 2-3 डॉलर। लेकिन ये जो 4 नवंबर को बैठक हुई थी दिवाली के दिन ओपेक और उसके सहयोगी देशों की, उसमें जो फैसले लिया गया कि जो उत्पादन है वो उतना ही रखा जाएगा, हालांकि जो US है US में भी जो बैरल्स थे क्रूड ऑयल के वो ज़्यादा देखने को मिले हैं, स्टॉक पाइल्स ज़्यादा देखने को मिला है, और दूसरा US द्वारा ओपेक और उसके सहयोगी देशों पर प्रेशर भी बनाया गया था कि उसका आउटपुट बढ़ाया जाए, लेकिन ओपेक ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है,
इसका असर अब कच्चे तेल की मार्केट पर कितना देखने को मिल पाएगा और कच्चे तेल के आगे क्या लेवल्स रहेंगे? अखिलेश देखिए, अब कच्चे तेल में वापस से तेजी बनेगी और वही लेवल्स वापस में हम देख पाएंगे जो अभी 82-83 डॉलर के अराउंड हमें कच्चा तेल देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अब WTI 85 डॉलर तक ऊपर जा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी ऊपर में 62 से लेकर 63 तक स्तर देखने को मिल सकता है। देखिए, जिस तरीके से यूएस ने भी कहा था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वहां पर अभी जो डिसीजन लिया गया है OPEC देशों की तरफ से कि प्रोडक्शन में अभी फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपको आते हुए दिखाई देगा और वापस से बाजार तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, डिमांड अच्छी खासी निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी मुझे लगता है कि कच्चा तेल 85 डॉलर के ऊपर की अगर सस्टेनेबिलिटी देगा तो और ज्यादा तेजी की तरफ जा सकता है। आज इंट्राडे में बाइंग करके चलना चाहिए और ऊपर में आप इंट्राडे में मान के चलिए कि 60 तक ऊपर में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, सोने चांदी में तो हमने देख लिया और क्रूड ऑयल के अंदर भी की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन बेस मेटल्स में देखने की चमक कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही है। जो चमक हमने पहले देखी थी दीपावली से, अब वो चमक में थोड़ी कमी है। आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में अब कैसा रुझान रहेगा? हालांकि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री लेवल पर जो डिमांड है बेस मेटल्स की वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बेस मेटल्स का बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। आपकी तरफ से क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए, अभी बेस मेटल में थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो जरूर बनते हुए दिखाई दिए, क्योंकि डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिसली है, जिसकी वजह से बाजार जो है लुढ़कते हुए दिखाई दिए। लेकिन आप देखिए, इसमें तेजी भी बहुत अच्छी आई थी। अभी फिलहाल जो है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखने को मिल सकती है। जहां तक कॉपर की बात है, मुझे लगता है कि कॉपर 720 से 740 की रेंज में फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम बात करें निकल की, निकल जरूर अपने स्तरों से फिसल चुका है और निकल अब 1400 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर भी एक रेंज देखने को मिल सकती है, 1440 से लेकर आप मान के चलिए ऊपर में 1520 तक फिलहाल बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इंट्राडे में गिरावट है और 1460 तक फिलहाल निकल फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, मुझे लगता है यहाँ से वापस से बाउंस बैक आ सकता है। डिमांड अभी थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुई है आप कह सकते हैं, लेकिन अभी आगे चलकर और डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, इंडिया में भी विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है अच्छे से, और विदेशों में भी देख रहे हैं कि ठंड बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है ऐसे में नेचुरल गैस का माहौल कैसा देखने को मिलेगा? नेचुरल गैस की डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ पाएगी पहले के मुकाबले, और अगर हाँ तो क्या लेवल्स रहेंगे? सीजन आता है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइसेस तेज जाएंगे, लेकिन उसकी अवज में देखा जाए तो डिमांड जो है और सप्लाई, आपको ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। फिलहाल देखा जाए तो इन्वेंट्रीज और स्टॉक के, इसका जो गैसोलीन का स्टॉक है वो काफी बढ़कर पीछे आता हुआ हमें दिखाई दिया था, और इन्वेंट्रीज इसकी काफी इंक्रीज हुई है और इसका स्टॉक अच्छा होने के बावजूद इसका प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों में 400 के नीचे फिसलते हुए दिखाई दे। तो फिलहाल जो मुझे रेंज दिखाई देती है 380 से लेकर ऊपर में 420 से लेकर 440 तक एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा मुझे बाजार ऊपरी स्तरों पर जाता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि विंटर सीजन में छुटमुट तेजी बन सकती है, लेकिन वही ऊपरी स्तरों पर वापिस से दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में आपकी तरफ से क्या टॉपिक्स रहेंगे? अगर बात करें तो मुझे लगता है कि नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आज सोने और चांदी, इनके अंदर आज खरीदारी की तरफ रहना चाहिए। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि सोना अच्छा चमकता हुआ दिखाई दे सकता है, सोने के साथ साथ कच्चे तेल में फिलहाल खरीदारी करके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, तो फिलहाल सिलसिला बाजार को हमें बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय का नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।